कुछ भी पढ़कर बताओ, कुछ भी पढ़कर बताओ जो आपको अच्छा लगता है, कहीं से भी पढ़कर बता दो जो आपको अच्छा लगता है। कौन सी पुस्तक है, कौन सी बुक है? पापा जी एक दिवी। नहीं, पुस्तक का क्या नाम है? मत्ती। मत्ती कितना अध्याय है? मत्ती पापा जी एक दिवी। एक दिवी है, ठीक है, मत्ती एक दिवी पढ़ो। कीतियां जो ऊह ने चुप कीतियां त्याग देवा, पर जद ऊह ना गल्लां दी चिंता विच पए होए सी, तां वेखो प्रभु दे इक दूत ने सपने विच ऊह नू दर्शन दे के कहा है, जिस पर दौत दे पुत्र तू अपनी पत्नी मरियम नू अपने घर लियाउण तो ना डर, क्यों जेहड़िया जेहड़ा जेहड़ी ओह दी कुख विच हो आवे है ओह पवित्र आत्मा तो है, अते ओह पुत्र जने अते तू ओह दा नाम यशु रखी। हाँ, बस तारीफ करो पहले सबसे जोर से। सिर्फ डेढ़ महीने में, सुनो, कोई भी बच्चा डेढ़ महीने में उसे स्कूल दाखिल कराओ, ये हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में सिर्फ एक दिन, बच्चे पूरा हफ्ता हम स्कूल भेजते हैं, सिर्फ हफ्ते में एक दिन, ये परमेश्वर का फजल, ये है प्यास, ये है भूख। क्या नाम है आपका? पापा जी सर्वजीत। कहाँ के रहने वाले आप? पापा जी वेर के। कितना टाइम हो गया आपको प्रभु में आए हुए? पापा जी 4 साल, चौथा जान लिया। चौथा साल शुरू है। अपने पहले आप कहाँ पे जाते थे? पापा जी इत्थो शुरू किता मैंने। अपने इसी चर्च में, इसी मिनिस्ट्री से शुरू किया, यीशु मसीह को जाना, हाँ, और तब से आप बने हुए? हाँ जी पापा जी। सुनो, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस बहन को चौथा साल है, 4 सालों में अपने कितनी छुट्टियां कर ली? पापा जी 2-3 ही हुई। सिर्फ 2-3? 4 सालों में सिर्फ 2 या 3? और फिर आप संडे आते थे कि वीरवार भी आते थे? नहीं पापा जी, मैं दोनों बार वीरवार भी। जब से आपने जाना तब से आप लगातार आ रहे हो? हाँ जी पापा। संडे और वीरवार आ रहे हैं? हाँ जी पापा जी। हाँ, ओके। सुनो, ये अपना अपना मन है। पहले आप क्या करते थे? पापा जी मैं पंजा घरां दा काम करती हां, ते जदों मैनूं प्रभु दा समाचार मिलिया। सुसमाचार मिलिया? हाँ जी। आपको प्रॉब्लम क्या थी? पापा जी गैंठिया दी प्रॉब्लम ही। गैंठिया की प्रॉब्लम थी? गैंठिया के कारण क्या होता था? पापा जी मेथों बहुत ही प्रॉब्लम होंदी, मेरी दवाई, मतलब डॉक्टरां ने कहा ही कि ये पानी दा गिलास तक नहीं फड़ सकदी, जिन्ने मेरे हाथ इन्ने वीक हो गए। मतलब आपके हाथ पांव गैंठिए के कारण बहुत कमजोरी आ गई? पापा जी जदा मौसम शुरू हो जाता ते टेढ़े हाथ चालू होने शुरू हो जाते। मतलब आपके हाथों के कुंड ऐसे मुड़ने शुरू हो जाते थे? हाँ जी पापा जी, मैं तो आटा उटा भी नहीं गोदता, कोई काम नहीं होता था फिर? नहीं, बहुत प्रॉब्लम थी। हाँ जी। ओके, तो फिर सुसमाचार मिला, आप यहाँ पे आ गए? हाँ जी पापा जी। जब आप यहाँ पे आए तो आपने यहाँ पे आकर क्या सीखा? पापा जी मैं बहुत कुछ सीखा, जिदा तू ही सिक्ख्या देंदे हो, मैं वो सिक्ख्या ते चलदी रही, वचना ते चलदी रही। आपने सबसे पहले क्या सीखा कि यीशु मसीह ईसाइयों का परमेश्वर, अंग्रेजों का, या धर्म बदलता कि जीवन बदलता है? पापा जी जीवन बदलता। जीवन बदलता। जब आपको ये परमेश्वर के राज्य की बात समझ आ गई कि यीशु मसीह जीवन बदलता है, तो आपने परमेश्वर के घर में, उसके भवन में आना शुरू कर दिया और लगातार आते रहे, हर संडे और वीरवार। पापा जी मैं दुनिया की परवाह छाड़ती ही, उदन तो अपने परिवार की भी छाड़ती, क्योंकि मेरा साथ ते दिता नहीं होना। ओके, फिर जब आप लगातार आ रहे तो आप 5 घर का काम करते, तो क्या हुआ था उन दिनों में? पापा जी मैं जो इतने आ जाना, मेरे छुट्टियां हो जाए, ठीक ना करने करके छुट्टियां हो जाए, तो उन्होंने मैं जवाब देता। हाँ जी पापा जी। पूरे 5 घरों वाले ने जवाब दिया कि कितनों ने? पापा जी नहीं, एको घर बच गया है। मतलब 4 घर वालों ने जवाब दे दिया, एक ही घर रह गया। हाँ जी पापा। फिर आपने मन खराब किया? नहीं पापा जी मैंने नहीं किया। फिर आपने क्या किया?
ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਾੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਮੱਛੀਆਂ ਪੰਜ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਖੁਦਾ ਕੇ ਸਾਥ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੇ और यहाँ पे आते रहे। जब आप प्रॉब्लम में आ रहे थे तो आप हील हो गए, अच्छा हो गए ना, एक बार हाँ जी पापा जी ठीक हो गए थे। हाँ जी पापा जी। फिर उसके बाद क्या हुआ पापा जी? फिर मेनू प्रॉब्लम चालू हो गई थी पर मैं अपने पति तक नहीं दसिया ही। फिर से वो जो प्रॉब्लम थी गेंडिये की दोबारा आ गई। हाँ जी, मैं अपने पति नु बिल्कुल आनी, मेनू परमेश्वर ने बिल्कुल फ्री करता, मेरे ते हुण दवाई दुवी भी छुट गई। ओके, पर दोबारा प्रॉब्लम आ गई और फिर से आप बड़े परेशान थे। आपने क्यों नहीं बताया, अपनी अपने पति को क्यों नहीं बताया? पापा जी उन्होंने मेनू प्रभु दे नहीं आन देना, मेनू छड़ा लेना। ओहो, ये है जब किसी को परमेश्वर के राज्य की समझ आती है। अपनी दुख प्रॉब्लम दोबारा आ गई, तकलीफ दर्द फिर उससे भी ज्यादा बढ़ गई। बता नहीं रहे अपने पति को, क्योंकि बताया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे परमेश्वर के घर से आने से वो रोक ले, मना कर दे, क्या कर ले। दुख में भी उन्हें बता नहीं रहे, अपने घर का काम भी, जो भी एक दो काम करते थे वो भी कर रहे हैं, और दुख में भी परमेश्वर के साथ ही रहे। किसके घर में आ रहे फिर भी आ रहे। ये दो बार हुआ कि तीन बार हुआ? तीसरी बार भी फिर अटैक हुआ पापा जी? दो बार ही होया ही, पर मैं विश्वास ही पूरा कि मेरा परमेश्वर मैं अच्छी काट चुका। सिर्फ दो बार हुआ कि तीन बार हुआ पापा जी? तीन बार। तीसरी बार फिर से हालात आया? एकदम मेरी बांधी हड्डी बाहर आ गई, बिल्कुल मैं अभी नहीं दसिया कर। गेंठिये के कारण एक समय आपके बाजू की हड्डी, कौन सा बाजू था वो पापा जी? आओ जीत में एक पड़ी। कहां से आ गई थी हड्डी बांध, कोने के कहां से? पापा जी नहीं, माइक माइक लो, माइक आप पकड़ के रखो। पापा जी एवे रहंदी ही बा, मतलब काम मैं सारा करती हां। हड्डी बाहर आ गई फिर भी आपने बताया नहीं, आप आते रहे। हाँ जी पापा जी, पर मैंने बड़िया ने जाने ने क्या ही वखा, पर मैं कहा नहीं, मेरे परमेश्वर मैं घर तक नहीं दसिया ही कि मैंने दर्द होंदी है, मतलब मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है, फिर भी आप बने हुए थे। हाँ जी पापा। ओके ठीक है, आप दुख में भी प्रभु के साथ इन सालों में बने रहे, और आज आपका गेंठिया बिल्कुल अच्छा पापा जी? अब कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं पापा। कोई मेडिसिन खाते हो? नहीं पापा जी। कोई मेडिसिन नहीं? सुनो, जब दोबारा प्रॉब्लम आई तब खाई थी पापा जी? ओदो मैं थोड़ी जी छड़न दी कोशिश की थी, फिर तड़ ना गल बात हुई तो सिखाया कि नहीं दवाई खाओ। हाँ, क्यों? क्योंकि इसके परिवार वाले विश्वास नहीं करते, ये बेचारी बता भी नहीं सकती थी, तो मैंने ये बड़ी तकलीफ में आ गई थी, विश्वास भी नहीं हो पा रहा ना था, परमेश्वर तो सामर्थ थी, तो मैंने कहा थोड़ी मेडिसिन ले ले, कोई बात, क्योंकि मेडिसिन खाना बाइबल में कहीं पर ले लेगा पाप है, पर परमेश्वर की आंखियों को उसको प्रेम करना ये पाप है, उसकी आंखियों को तोड़ना, उसे प्रेम ना करना ये पाप है। और ये बने रहे, क्या रहे? अब इन दिनों में मैंने पिछले दिनों में अनाउंस किया कि जो बहनें पढ़ना चाहती हैं हम उन्हें पढ़ा भी सकते हैं, जब मैं बोल रहा था कि इस वचन की वैल्यू कितनी है, बोलो क्या है, इस वचन का जो मूल्य है वो बहुत बड़ा है, सोने और चांदी से, हीरों से भी क्या। तो जो लोग पढ़े हैं, मैं बताता था कि वो अपनी बाइबल कॉपी पेन अपने पास रखा करो। क्या रखो? जो पढ़ना जानते हो अपनी बाइबल कॉपी पेन पास रखा करो। तो अनाउंस किया पिछले दिनों में कि जो अनपढ़ हैं वो पढ़ना चाहते तो वो पढ़ सकते हैं। तो ये आगे आगे मैं पढ़ना चाहती हूं, ये अनपढ़ है, एक भी दिन स्कूल नहीं गए, मैंने कहा एक भी दिन स्कूल नहीं गए, जब मैंने अनाउंस किया तो ये आगे आए, हाँ जी मैं पढ़ना चाहती हूं परमेश्वर के वचन को, मुझे पढ़ाओ। बोलो क्या है? और इसने पढ़ना यहां पे, यहीं पे, बोलो क्या है, यहीं पे आकर वीरवार की मीटिंग में, ये जब मीटिंग समाप्त होती थी तो ये टीम बच्ची पढ़ना जो पढ़ा रहे थे पंजाबी का जो उड़ा उड़ा है कोई लिखना शुरू किया, समझाना शुरू किया। आज आपको कितना टाइम हो गया है पढ़ते हुए? पापा जी डेढ़ महीना। डेढ़ महीना हुआ, सिर्फ डेढ़ महीना हुआ, ठीक है। हम परमेश्वर के अनुग्रह को और फसल को और उसके प्रेम को देखेंगे कि एक इस उम्र में एक अनपढ़, बोलो क्या है, बंदा
कभी भी इतनी जल्दी पढ़ना नहीं सीख सकता। पर यीशु मसीह ने कहा जो धार्मिकता के भूखे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। बताऊं आप कुछ पढ़कर बताऊं अपनी बाइबल से, कुछ भी पढ़कर बताओ, कुछ भी पढ़कर बताओ जो आपको अच्छा लगता है, कहीं से भी पढ़कर बता दो जो आपको अच्छा लगता है। कौन सी पुस्तक है, कौन सी बुक है? पापा जी एक दिवी। नहीं, पुस्तक का क्या नाम है? मत्ती। मत्ती कितना अध्याय है? मत्ती। पापा जी एक दिवी। एक दिवी है, ठीक है, मत्ती एक दिवी पढ़ो। कीतियां जो उह ने चुप कीतियां त्याग देवा, पर जद उह ना गल्लां दी चिंता विच पए होए सी, तां वेखो प्रभु दे इक दूत ने सपने विच उह नू दर्शन दे के कहा है, जिस पर दौत दे पुत्र तू अपनी पत्नी मरियम नू अपने घर लियोन तो ना डर, क्यों जेहड़ी ओह दी कुख विच हो आवे है ओह पवित्र आत्मा तो है, अते ओह पुत्र जने अते तू ओह दा नाम जशु रखी। हाँ, बस तारीफ करो पहले सबसे जोर से। सिर्फ डेढ़ महीने में, सुनो, कोई भी बच्चा डेढ़ महीने में उसे स्कूल दाखिल कराऊं, ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन बच्चे पूरा हफ्ता हम स्कूल भेजते हैं, सिर्फ हफ्ते में एक दिन। ये है परमेश्वर का फजल, ये है प्यास, ये है भूख जिसके अंदर है। बोलो क्या है? ये है प्यास, ये है भूख जिसके अंदर है। यीशु मसीह ने कहा वो तृप्त किए जाएंगे जो धार्मिकता का भूखा है। लोग कहते हैं हम अनपढ़ हैं। इंसान को परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, बोलो क्या है, कि वो कुछ भी कर सकता है। इंसान ही है जो कहां पे पहुंच गए, कहां पे पहुंच गए लोग, ऊपर ऊपर जाकर उन्होंने खोज कर ली है, चंद्रमा के ऊपर पहुंच गए, वहां पे दुनिया बनाने का प्लान कर रहे हैं ना। इंसान को परमेश्वर ने ऐसा बनाया है तो वो क्या नहीं कर सकता। पर ये आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अच्छा, फिर जो वचन यहां पे हर संडे बुधवार होते हैं, आप उनको भी लिखते हो? हाँ, खुद लिखते हो कि किस? हाँ, माइक दो। नहीं पापा जी, मैं और लिखना भी। अब आप लिखना भी शुरू कर दिया है? हाँ जी। पढ़ने के साथ साथ आप लिखना भी शुरू कर दिया? पापा जी मैं करे भी कोशिश कर दी ना लिखन दी, फिर मेरा हाथ खुल गया। दिखाओ कैमरे में, दिखाओ जो आप हर संडे लिखते हो यहाँ पे। साफ ही नहीं आ रहा तो क्या फायदा, पास ले जाओ इसको, जा दो। नहीं, आराम से दिखाओ, कोई बात नहीं, आराम से दिखाओ। ये लिखा ना 12-11-23 एतवार, ये लिखा है उपदेशक की पोथी उसका 5 अध्याय ऊपर करते जाओ, सेकंड कुरिन्थियों 2:14-15, रोमियो 1:16, अफसियां 3:13, रोमियो 8:9, तिमोथियस 1:7, मत्ती 8:18, रोमियो 8:26। हाँ ठीक है, बहुत है, इतना ही। ये सारे वचन आपने लिखे? हाँ जी पापा जी। हाँ हाँ जी पापा जी। इसे भी, हाँ ठीक है, जो लिखे हैं इसे भी आप पढ़कर सुनाओ थोड़ा सा, क्या लिखा है आपने, जो लिखा है आपने, हाँ इसे पढ़कर सुनाओ। उत्पस दी पोथी 5:4। हाँ बोलो क्या है, कैसे करेंगे खोज? इसके पास मन है वो सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह का विश्वास करने वालों के लिए कहीं पर लिखा है कि जो अनपढ़ है वो नहीं कर सकता। यीशु मसीह का विश्वास करने वालों के लिए बोलो क्या हो सकता है? यहां पे लिखा है कि अनपढ़ व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है।
आमीन। तारीफ कर दो, जोर से तारीफ कर दो, जोर से, जोर से तारीफ। ओके तो परमेश्वर पापा जी, सर जी, सिस्टर जी कुछ बोलना चाहते हैं तो चंद शब्दों में बोलना, क्योंकि टाइम अभी। पापा जी मैं कुछ कहना चाहती कि मैंने बड़ी चाहत ही मतलब के वचन मैं सीखा, मतलब जे मैं किस पे भैन नु कहनी है कि मैंने वचन लिख दे, ते कई बार मेरा मन नहीं होता कि कोई लिख के दवे कि जा ना लिखे, पर परमेश्वर मैंने बड़ी चाहत है कि मैं वचन सीखा। ते पापा जी मैं दुनिया की नहीं परवाह की, आखणगे आ उम्र च तू पढ़न लग गए, जवाह करन लग गए, मैनू परवाह, तो मेरे खुदा की परवाह, क्योंकि मैनू वो तो डर लगता। ये है एक सच्चा प्रेम, इस स्वार्थी इसलिए परमेश्वर के राज्य में कोई एक्सक्यूज नहीं है। जैसे एक्सक्यूज समझ लेना, ये एक बहाना मैं समझता हूं कि हम ऐसे हैं। बोलो क्या है, वैसे तो आपको परमेश्वर ने जो आत्मा दिया है, ओके ठीक है, आप जा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो बहन को आपने देखा, इसकी गवाही को सुना, इस बहन को देखकर ही बाकी बहनों का खुला था मन, और उन्होंने भी बनाई चाहत के हम भी पढ़ना सीखेंगे। इन बहनों के हाथ में आप जो कॉपीज देख रहे हैं, इन्होंने भी पढ़ना और लिखना शुरू कर दिया है। इसलिए जैसे बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ही है जो अपनी इच्छा और शुभ इच्छा के नेक काम के इरादे को पूरा करने का प्रभाव डालता है, जो फिलिपियों 2:13 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने दास के मन में ऐसे डाला कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं और पढ़ना सीख सकते हैं। जो आपने गवाही में देखा कि कैसे उस बहन का मन खुला, और उस बहन को देखकर औरों बहनों का भी मन खुला, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में कुछ भी करना असंभव नहीं है। इसलिए मेरा विश्वास है कि इस गवाही से परमेश्वर आपको बहुत बरकत दें। इसलिए इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, जैसे उसके वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान न होने से नाश हो रही है। एक अनपढ़ जो व्यक्ति, उसको कोई भी कुछ भी बताकर बहला सकता है, फुसला सकता है, क्योंकि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर के राज्य में कुछ भी करना असंभव नहीं है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।